नए सफ़र पर चलने का डर हो या अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की खुशी, ये दोनों ही फीलिंग बहुत थ्रिलिंग है। ये कहानी है आंखों में ख्वाब भरकर अपना सपना सच करने वाले सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के शुभम समझदार की। कहते हैं हमारी माँ ही हमारी पहली टीचर होती है। पहला कदम चलने से लेकर जीवन के हर मोड़ पर उनका आशीर्वाद रहता है। आज बेटे की सफलता पे शुभम की माता जी से जानते हैं वे कितनी खुश और गौरवान्वित। शुभम छोटबेला छिलो ओ पढ़ाशुना पढ़तो ना जेता ना पढ़तो भालो पढ़ाशुना भालोई करछे पढ़ाशुना कथा बोलते हय नाई किन्तु तार फाके फाके ओ माने এই আর্ট শেখা এ শেখা এগুলোর দিকে বেশি ঝোঁক ছিল, খেলাধুলার দিকে ওর মোটেই ঝোঁক ছিল না। যাও ছিল আমরা করতে দিতাম না, ওর কোনো একটা প্রবলেম ছিল। তখন ও পড়াশোনা করতে করতে তারপরে বললো যে মা আমি আর্ট শিখবো। আর্ট শিখতে গেল কিছুদিন, শেখার পরে তারপরে ছেড়ে দিয়ে ও নিজে নিজেই শিখলো। শেখার পরে তারপর টুয়েলভ পাস করার পরে ওর দাদা বললো ভাই তুই ব্যাংকের ব্যাপারে পড়াশোনা কর ব্যাংকের জন্য। ওর তখন মন নাই, ও করবে না, ছোটবেলা থেকে সরকারি চাকরি করবে না, ও অ্যানিমেশন শিখবে এটার দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল। তারপরে বললো আমি কলেজও করবো এটাও করবো। বাড়িতে বন্ধু বান্ধব খুব একটা বেশি ছিল না, এখনও গোনা যাবে চার পাঁচটা বন্ধু আছে। এই ছুটিতে এসে এক বন্ধু বাড়ি কালকে গেছিলো, 11টার দিকে আসলো 5টার দিকে, বন্ধুর সাথে খেলাধুলা করলো, ঘুরলো বেড়ালো, খাওয়া দাওয়া করছে বন্ধুর বাড়িতেই। पेरेंट्स का प्यार और दोस्तों का साथ अक्सर मुश्किलों को भी आसान बना देता है, कहते हैं ना पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। अब जानते हैं शुभम से उनके बारे में। I work at Little Red Zombies Hyderabad and I work as a 3D character. So मुझे बचपन से वो स्केचिंग करने का बहुत शौक था, तो और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मुझे हमेशा पूछा जाता था कि आगे क्या करना है, बड़ा होकर क्या बनना है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करने वाला हूँ या फिर बैठा रहूँगा, और कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक दिन क्लास 8 के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तेरा स्केचिंग इतना अच्छा है, तू एनिमेशन में क्यों नहीं ट्राई करता। तो मैं भी थोड़ा अपने हैंड से थोड़ा रिसर्च किया कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कौन सा फैकल्टी अच्छा है, सब कुछ। तो मुझे अरीना ज़्यादा सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छा है, मेंटरशिप भी बहुत 1-to-1 है, और मुझे अच्छे से समझाया भी गया अच्छे से, तो इसीलिए मैंने अरीना को चूज़ किया। और हर और सब सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो मैंने यहीं पे एडमिशन लेने का सोचा। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं। सपने देखने से पूरे होते हैं और मेहनत करने से मंजिल भी मिलती है। टैलेंट, पर्सिस्टेंस एंड हार्ड वर्क, सफलता की ये कहानी आपकी भी हो सकती है। यू आर अनस्टॉपेबल।